नमस्ते साथियों, फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर एल एस आर्य। आज अपनी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य को पी सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है और वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए, क्या वीर्य को पी सकते हैं? हमारा वीर्य तो काफ़ी पतला है, तो क्या इसको हम पी सकते हैं? हम कौन सी दवा खाएं जिससे वीर्य गाढ़ा हो जाए? वीर्य पतला होना चाहिए या गाढ़ा होना चाहिए? तो देखिए साथियों, वीर्य हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम से निकलने वाला एक लिक्विड है जो बच्चे पैदा करने के काम आता है। और वीर्य के अंदर ही सभी को पता है कि स्पर्म पाए जाते हैं। स्पर्म काउंट जो होता है वो पुरुषों में बढ़ सकता है या घट भी सकता है, वो एक टेस्ट से पता चलता है। तो वीर्य एक जैविक पदार्थ है, यानी कि बायो प्रोडक्ट है। इसके अंदर स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है जो मूव करता है। वीर्य बनता कैसे है तो थोड़ा जानेंगे आज इस बारे में। देखिए, वीर्य जो है प्रजनन तंत्र जो होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, और टेस्टिकल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उस ऑर्गन का एक टेस्टिकल होता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रजनन तंत्र जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन होता है टेस्टिकल, इनमें वीर्य बनता है। कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जैसे वेसिकल, सेमिनल होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। वीर्य एक प्रकार से लिक्विड है, ये हमारे स्पर्म के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उसको जगह देता है कि वो सही से मूव हो जाए। वीर्य लिक्विड है जो सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स से मिलकर बनता है। यानी कि जो लिक्विड है ये वीर्य, ये सेमिनल, वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलकर बनता है। कुछ मात्रा वेसिकल में बनती है जिससे वेसिकल में ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें सिट्रिक एसिड, फाइब्रोनिज्म एंजाइम्स होते हैं और ये फ्रुक्टोज एनर्जी का काम करती है, शुगर है ये। प्रोस्टेट से जो लिक्विड निकलता है वो थोड़ा सा दूधिया रंग या वाइटिस येलोविश कलर का होता है, इसलिए वीर्य का कलर भी इसी से डिसाइड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है उसमें होता है कैल्शियम, फोस्फेट, एंजाइम, फाइब्रोनिज्म और फाइब्रोलाइसिस। जब भी कोई व्यक्ति वीर्य निकालता है तो कुछ देर के बाद वीर्य थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो वो फाइब्रोनिज्म के कारण है, क्योंकि यहाँ पर क्लोटिंग होने, तो जब फाइब्रोनिज्म के कारण वीर्य गाढ़ा हो जाता है तो यहाँ पर क्लोटिंग होने का में हेल्प करता है। फाइब्रोलाइसिस के कारण वीर्य पानी की तरह हो जाता है, उसको तोड़ देता है। फ्रक्टोज क्या है? तो देखिए, जो फ्रक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे स्पर्म जिंदा रहता है। एक बार के वीर्य में 2 से 5 ml वीर्य में लगभग 50 करोड़ तक स्पर्म पाए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। यानी कि 2 से 5 ml के वीर्य में 50 करोड़ स्पर्म पाए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली। लगभग इतने सारे स्पर्म 72 डेज में बनते हैं, यानी कि 72 डेज में इतने सारे स्पर्म बनते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोग ये बनते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे वीर्य पतला है, हम क्या करें? जो स्पर्म होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। वीकली सेक्स में स्पर्म गाढ़ा होगा क्योंकि स्पर्म इकट्ठे हो जाएंगे। रोज सेक्स करने से क्या होगा? स्पर्म पतला हो जाएगा, वीर्य पतला हो जाता है, स्पर्म इकट्ठे नहीं होते हैं। दवाइयों के हेल्प से स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन की सहायता से स्पर्म क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। क्या वीर्य पी सकते हैं? तो देखिए, पोर्न मूवी देखकर जिन लोगों को ये आइडिया आया है कि वीर्य को पी सकते हैं, तो सबसे पहले तो सोचिए, ये कोई पीने की चीज़ नहीं है। फोन में भी देखकर लोगों को ऐसा आइडिया आया है, ये फालतू की चीज़ें हैं, पीना है ये नहीं पीना, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग वीर्य को, वीर्य में फ्रक्टोज है, कहते हैं कि वीर्य में क्या फ्रक्टोज है, एनर्जी मिल जाएगी, तो क्या हम इसको पी लें? ये ग्लूकोनडी की तरह, जैसे हम ग्लूकोनडी को पी लेते हैं, क्या वीर्य को भी पी लें? तो देखिए, वीर्य पीने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो फोन मूवी देख के जो आपको ये आइडिया आया कि वीर्य को पी लें, वो गलत है। वीर्य पीने की चीज़ नहीं है। वीर्य का जो सिर्फ एक्चुअल में जो बॉडी में रोल है वो स्पर्म का मूवमेंट करना है, यानी कि बच्चे पैदा करने के काम आता है, इसको पिया नहीं जाता। तो हम कोई इसका ऐड नहीं करते कि आप वीर्य पिए या ना पिए, आप पे डिपेंड करता है, आप पी सकते हैं नहीं पी सकते, हम नहीं कह रहे हैं आपको, क्योंकि वीर्य पीने की चीज़ वैसे है नहीं। तो आज हमने अपने वीडियो के माध्यम से वीर्य की सारी आपको फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सब हम आपको वीर्य की बता चुके हैं कि वीर्य कैसे बनता है, वीर्य का क्या है? किस तरीके से वीर्य गाढ़ा होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ वीर्य से जुड़ी हुई सभी जो मिथ आपके अंदर थी वो जो हैं क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो
देखने के लिए देखते रहिए फार्मेसी लीडर यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो और भी वीडियो चैनल पे हैं उसको उनको भी देखें। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।